स्वागत है आपका यूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 अगस्त 2020 और आज सी इंस्टीट्यूट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ICI.org पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट जो है CA IPCC और CA इंटरमीडिएट जो ओल्ड और न्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर ATC उनके लिए जो गाइडेंस नोट ICI exam.ICI.org पे होस्ट किया गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा था कि अब जो है वो रैंक जो है वो नहीं होगा। जैसे कि आप पिछला अनाउंसमेंट को मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पे 22 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है नो मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड, यानी कि CA IPCC या CA इंटरमीडिएट में नवंबर 20 का जो रिजल्ट होगा उसमें कोई मेरिट लिस्ट जो है वो CA इंस्टीट्यूट के तरफ से डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये जो है वो CA इंस्टीट्यूट ने इसे फिर से रिवाइज्ड कर दिया है और रिवाइज्ड गाइडेंस नोट के अनुसार फिर से जो है यहाँ पे रैंक और सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट का यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया है। CA इंस्टीट्यूट के 55% जो है आपको एग्रीगेट लाना होगा और अप टू 50th रैंक तक आपको ऑल इंडिया बेसिस पे CA इंस्टीट्यूट मेरिट लिस्ट निकालेगा, ठीक है। और CA IPCC ओल्ड कोर्स का भी और CA इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के लिए भी, तो उसी के लिए जो है ये आज अनाउंसमेंट आया है कि 5 अगस्त को जो अपलोड किया था CA इंस्टीट्यूट उसका रिवाइज्ड गाइडेंस नोट जो है वो यहाँ पे इशू कर दिया है। तो जाके आप डाउनलोड कर लीजिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस, जहां पे जो है वो मेरिट लिस्ट जो है फिर से वहां पे डिस्प्ले करेगा। आइए दिखा देते हैं कहां से आपको डाउनलोड करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ICI exam.ICI.org और ये है गाइडेंस नोट के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप नोट्स फॉर इंटरमीडिएट न्यू कोर्स और नोट्स फॉर इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 5 अगस्त को यहाँ पे CA इंस्टीट्यूट का कहना है, 5 अगस्त को जो इशू किया गया था वहां पे गाइडेंस नोट का पॉइंट नंबर 22 में एक एरर हो गया था, उसी एरर को रेक्टिफाइड करके जो है वो फिर से यहाँ पे लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। रिवाइज्ड गाइडेंस नोट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यानी कि नवंबर 2020 या फिर जो आप मई 2020 के लिए अपीयर करने वाले थे उसको मर्ज कर दिया गया है नवंबर में, तो आपका नवंबर का जो रिजल्ट आएगा जनवरी में तो वहां पे जो है मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस होगा, वो होस्ट होगा CA इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो रैंक होल्डर जो है अनाउंस होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो गया था कि पहले जो इंस्टीट्यूट है वो बोला रैंक नहीं है, फिर अपलोड कर दिया रिवाइज्ड रैंक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है CA इंस्टीट्यूट के तरफ से आज के डेट में 7 अगस्त को ये अनाउंसमेंट आया है। तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज अगर रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।